केसर भी, ओ पापा केसर वाला मिठाई। वो आगे आगे बढ़ाता जाएगा, उसके घर में एक एक बोतल जाएगी। रूइन बन लेती हूँ, गॉगल्स लगा लेती हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं और पापा का रिएक्शन देखते हैं। चेक चेक, हेलो हेलो हेलो, 2 3 स्टार। पापा कहते हैं बड़ा नाम। हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से नहीं पता मेरा नाम अलीशा थापा है एंड वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल गाइस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मेरे पापा आने वाले हैं। आज जैसे कि आपको पता ही है कि मम्मी है नहीं घर में, तो आज पापा आने वाले हैं, तो वेट करते हैं पापा का। तो गाइस जैसे कि पापा आ रहे हैं तो घर वर हमने एकदम चमका दिया है, क्योंकि अगर गंदा होगा तो फिर वाट लग जाएगी। पापा को सफाई थोड़ा पसंद है, पर पता नहीं, फिर भी हमने तो जितना हो सके कर दिया है। और गाइस पापा मतलब सरप्राइज दे के आए हैं। हमें पता नहीं था कि पापा आएंगे बोल के, मतलब इतना भनक भी नहीं था कि पापा आ रहे हैं बोल के। वो तो मम्मी ने हिंट दे दिया कि पापा आ सकते हैं, तो हमने फटाफट सफाई कर दिया और देखा तो असली में पापा आ गए। पापा चेक करने आए कि हम लोग ठीक ठाक है कि नहीं, घूम घूम तो नहीं रहे, गंदगी में रह रहे हैं, खाना वाना बना के खा रहे कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए पापा आए। पर आपको क्या पता, हम लोग उनकी बेटियां हैं, बच्चे हैं। हम लोग अच्छे से रह रहे हैं और हम लोग ऐसे काम करते ही नहीं जिससे पापा को प्रॉब्लम हो। तो अभी वेट करते हैं पापा का, पापा जब आएंगे तो फिर आगे की ब्लॉगिंग होगी स्टार्ट। गाइस हमारे पापा आए हैं छुट्टी, तो हमारे पापा भी आ चुके हैं। कैसे हो बताओ? बढ़िया बढ़िया। यस, तो कैसे रहा सफर? बहुत बढ़िया। अब देखना शुगर कैसे कूदेगी। शुगो शुगो, आप तो बहुत पतले हो गए यार पापा, डाइटिंग सेटिंग चल रहा है क्या? गुड गुड। तो अभी पापा के आने की खुशी में बन रहा है दाल भात मासू, और देखो पापा आते ही काम में लग गए है ना। पापा क्या कर रहे हो? पापा ने पूरा बर्तन धो दिया। जब मम्मी नहीं होती घर में तो खाया पिया तो धोना पड़ेगा। बेचारे आते ही कपड़ा उतार के पहले बर्तन धोए पापा ने। कैसे बेशरम बच्चे हैं। नहीं भाई, एक्चुअली मैं खाना बना रही थी, पापा मेरा हेल्प कर रहे हैं, है ना। इसको देखो, इसको इसको बस सोने से फुर्सत का। तो अभी देखते हैं पापा हमारे लिए क्या क्या लाए। क्या ये किया है डैडी? ये बस यही लेकर आया आप इस बार, आगरा का पेठा। तो गाइस हमारे लिए पापा आगरा का पेठा लाए। और क्या ला रहे? सूटकेस खोल रहे भाई, बताओ 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 बताओ। और क्या लाना बताओ ना। ये 1 2 3। ये पीला कलर का पेठा तो मैंने पहली बार देखा। वैसे पेठा होता व्हाइट कलर का, पीला तो मैंने पहली बार देखा। और इसमें गाइस केसर भी है। नहीं नहीं केसर है, केसर भी। ओ पापा केसर वाला मिठाई है। कितने रुपए का है? 150 रुपीज में केसर मिल जाता है? है केसर तो मैंने सुना बहुत महंगा होता है, सस्ता वाला केसर है ये। तो ये खाएंगे ये। हाँ वेट 69। हमें लगा पापा हमारे लिए कुछ लाए होंगे, बट ये तो पापा तो अपने लिए लेकर आ रखे। ओहो ब्लैक डॉग, बड़ी महंगी महंगी दारू पी रहे हैं। आपने तो दारू छोड़ दी थी ना। देखो गाइस दारू पे दारू निकलते जा रहा है। बस दारू ही लेकर आए और कुछ नहीं लाए। देखो देखो। तो गाइस जो मेरे वीडियो को लाइक करेगा उनके घर में एक एक बोतल हम भिजवा देंगे, ठीक है पापा। जो जो मेरे वीडियो को आगे आगे बढ़ाता जाएगा उसके घर में एक एक बोतल जाएगा, ठीक है पापा। हम ऐसे करके सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, ठीक है। गाइस मैंने खाना भी बना दिया है, तो पापा यहाँ रेडी हो रखे खाना खाने के लिए, और मैं भी खाना खाती हूँ, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पापा आए हैं, और इनका मतलब मेरे पापा और मम्मी का एनिवर्सरी था जो मतलब मार्च साइड में था, और अभी काफ़ी मार्च अप्रैल एक महीना हो गया है। तो मैं सोची थी उनको कुछ गिफ्ट दूँ। मम्मी को तो मैंने दे दिया है गिफ्ट, पर पापा को कभी गिफ्ट नहीं दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ पापा के लिए फेवरेट पापा का स्पीकर लेने, क्योंकि पापा को गाना गाने का बहुत शौक है गाइस, तो वो गाना गा लेंगे, टाइम पास भी हो जाएगा उनका। तो अभी चलते हैं।
चलो गाइस, आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या पहना है, क्योंकि यहाँ पे बारिश, भाई दो दिन से जब से पापा आए ना तब से बारिश ही हो रही है गाइस, यहाँ पे दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा अपना हीरोइन बन लेती हूँ, गॉगल्स लगा लेती हूँ। चलो तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पे स्पीकर है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बट फिर भी देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा पापा के लिए, फिर देखते हैं। अभी और दिखा रहे हैं तो अभी वेट करते हैं। सो गाइस ये वाला स्पीकर है, अभी चेक हो रहा है ये। हेलो जी, हेलो। तो गाइस मैंने स्पीकर भी ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, जल्दी जल्दी चलते हैं और पापा का रिएक्शन देखते हैं। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, दो तीन दिन से लगातार बारिश चल रही है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे लेके कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, तो भीग ना जाए कहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है लेके, पापा का रिएक्शन देखते हैं गाइस। चलो मैं ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, घर में जाके हो गया ब्लॉगिंग। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैंने स्पीकर भी ले लिया, बट पापा अभी तक आए नहीं है, मतलब पापा घर में है नहीं, तो पोपट हो गया थोड़ा सा, पर कोई नहीं, वेट करते पापा का। और मौसम भी खुल चुका है तो पापा वॉक पे गए हैं, तो अभी पापा आएंगे तो हम उनको सरप्राइज करेंगे। गाइस हमारे पापा भी आ चुके हैं, तो पापा थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि बेफालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना है, बट पहली बार दिया है मैंने पापा को गिफ्ट, यही समझ के रख लो पापा, ठीक है अब इसके बदले लूंगी। थी तो पापा का था एनिवर्सरी, तो उसी से रिलेटेड है, तो गाइस गिफ्ट है यहाँ, तो चलते हैं। तो मेरे पापा को गाना गाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने पापा के लिए लिया है स्पीकर और माइक। हैप्पी एनिवर्सरी 25th। तो कैसा लग रहा है पापा, है गाना गा के नहीं सुनाओगे? सुनाएंगे। कैसा रहा गिफ्ट, अब इसे लेके घूमना ठीक है? बढ़िया है, यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रहा है गिफ्ट, ये आपका ट्रैवलिंग के लिए, जब आप कहीं कहीं जाओगे ना तो लेके भी घूम सकते हो। अब बड़ा वाला स्पीकर, पापा बोल रहे हैं कि मेरा प्लान था कि मैं बड़ा स्पीकर लूँ, मतलब गाना गाने के लिए, पर ये वो है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो जाके। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें वायर नहीं है, वायरलेस है, अब यहाँ वहाँ घूमते घूमते भी गा सकते हो। तो बडीज मेरे पापा पूछ रहे कि कितने का है, और मैंने बोला कि आप ही बताओ कितने का है, तो कितना बोल रहे पापा? होगा 1000 समथिंग। अरे यार कैसे हो, आजकल महंगाई का जमाना है, थोड़ा महंगा तो बोलो। हेलो हेलो। गाना लगाओ, एक म्यूजिक लगा दो। चेक 1 2 3 पापा कैसा लगा सरप्राइज? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, हैं? अब तो आप गाना ही गाते रहोगे, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। मजा आ रहा है? चलो फिर बढ़िया। तो गाइस पापा तो बिजी हो गए गाना गाने में, उनको इतना शौक है गाना गाने का मैं बता नहीं सकती, पर आई एम वेरी हैप्पी इतना खुश देख के मेरी फैमिली को, तो मज़ा आ रहा है गाइस। तो बड़ी यहाँ पापा के लिए तो था ही था गिफ्ट, बट यहाँ इनका बेटा को देखो, 1 2 3 स्टार। क्या हुआ? टक 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 क्यों क्यों क्यों? एक और मेरे दोस्तों के लिए, एक और टक टक क्यों क्यों? ये नहीं, बीट बॉक्सिंग। 1 1 1 टक 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 बीट बॉक्स। तो बडीज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।